बागेश्वर की विधायक पार्वती दास तथा पूर्व मंत्री चंद्रराम दास के चालक रहे 35 वर्षीय दिनेश जोशी की जेसीबी की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गत रात्रि में चालक दिनेश जोशी अपने घर के पास ही जेसीबी लगाकर खुदाई करा रहे थे, तभी जेसीबी की चपेट में आ गए। उन्हें तत्काल घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिनेश जोशी गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका 7 साल का एक मासूम बच्चा है, जबकि पत्नी गर्भवती हैं। दिनेश अपने पीछे माता पिता, पत्नी सहित एक मासूम बच्चे का भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके निधन पर बागेश्वर की विधायक पार्वती दास, कपकोट के विधायक सुरेश गढ़िया, गौरव दास, भाजपा के महामंत्री संजय परिहार, डॉक्टर राजेंद्र परिहार, मनोज बचकेती आदि ने गहरा दुख व शोक व्यक्त किया है। देखिए, दिनेश जी काफ़ी ईमानदार, अपने काम कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थे और कभी भी जब भी हमें उनके सहयोग की जरूरत पड़ती थी, दिन हो रात हो, मतलब हमारे संग खड़े रहते थे। और उन्हें हमारे माननीय मंत्री स्वर्गीय श्री चंद्रराम दास जी के संग भी कार्य किया हुआ था। काफ़ी 2014 से जो है वो माननीय विधायक जी के संग जो है चल रहे थे और वर्तमान में हमारी बागेश्वर की विधायक माननीय श्रीमती पार्वती दास जी के संग चल रहे थे और वो हमेशा ही जो है अपने कार्य को मतलब काफ़ी लगन और निष्ठा के साथ करते थे। कभी भी मतलब उन्हें कोई ट्रैफिक नियम भी नहीं तोड़े, कभी कुछ नहीं, मतलब जिस तरह से एक नियम होते हैं, कायदे होते हैं, उसी तरीके से अपना काम किया। काफ़ी सहनशील थे, धीर गंभीर थे अपने कार्य के प्रति। माना जाए आपके परिवार के सदस्य के तौर पर, देखिए हमारे तो हमारे बड़े भाई की तरह हैं। हम कभी भी उनको कुछ भी कहते थे या वो हमें कभी भी कुछ भी कहते थे, तो मतलब कभी ये नहीं हो जाता था कि मतलब हमारे बीच अनबन भी हो जाती थी तो दूसरे दिन फिर दोस्ती हो जाती थी। पर जहाँ परिवार होता है तो वहाँ बर्तन भी बचते हैं, मगर क्या कि वह उनका कभी ऐसा नहीं रहा कि यार ये वो है हमजा, हमें अपने परिवार के एक अंग की तरह हमने उनको लिया। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा, वो जहाँ भी रहें भगवान उस दिवंगत आत्मा को शांति दे। इधर कोतवाल कैलाश नेगी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने के उपरांत परिजन को सौंप दिया गया है। फिलहाल इस मामले में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। हाँ सर, कल रात एक सूचना मिली थी कि जेसीबी से एक्सीडेंट हो गया है, एक आदमी को चोट आ गई है करके, तो हम मौके पर गए तो तब तक उसके परिजन और गाँव वाले जो है उसे हॉस्पिटल लेके आ गए थे। दिनेश चंद सन ऑफ कैलाश चंद जोशी करके नाम है उनका, लगभग 33 साल के हैं। अभी उनका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने के बाद बॉडी जो है परिजनों के सुपुर्द कर दी है और आगे जांच जारी है। किसी के द्वारा अभी इसमें किसी तरह की कोई तहरीर आदि नहीं दी गई है। सीसीएन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।